नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में आप सभी को पता होगा कि ये चीन के युहान शहर से फैला हुआ यह वायरस है। दोस्तों, जो वायरस है ये ग्रुप ऑफ वायरस है, मतलब कि ये जो कोरोना वायरस है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। दोस्तों, 2019 में चीन में इसके पेशेंट देखे गए थे, जब चीन में के युहान शहर में कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको निमोनिया हुआ था, निमोनिया जैसे सिम्टम हुए थे, उनको डायग्नोस निमोनिया किया गया था। परंतु जब उनको लैब टेस्ट करवाई गई तो लैब के टेस्ट में पाया गया कि ये निमोनिया का वायरस नहीं है। तब जो WHO है उसने इस पर रिसर्च की और जाना कि एक नया ही वायरस है जिससे चीन के लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो उस समय 2019 में इसको नाम दिया गया 2019 NCOV वायरस। ओके दोस्तों, तो इसमें ये जो वायरस होता है दोस्तों, ये शरीर में जाकर के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये हमारे शरीर में तापमान को बढ़ा देता है, सर्दी जुकाम और निमोनिया जैसे सिम्टम ये प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, स्पेशली जो वायरस होता है वो RNA वायरस है। दोस्तों, RNA टाइप का वायरस है जो शरीर में जाकर के ऐसे वैसे ही सिम्टम प्रोड्यूस करता है जैसे दूसरे वायरस करते हैं। परंतु ये दोस्तों बहुत सीवियर है, इसलिए इसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज में रखा गया है। दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि होम्योपैथी किस प्रकार से कारगर है और होम्योपैथी के द्वारा इससे कैसे बचा जा सकता है, और यदि किसी पेशेंट को यह हो जाता है तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, हाल ही में आयुष डिपार्टमेंट में भी इसको लेकर के चर्चा हुई थी और इस पर आर्सेनिक एल्बम नाम की दवाई को उन्होंने लाया गया था कि आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो इसके सिम्टम्स को कवर करती है। दोस्तों, कुछ और दवाइयां भी होम्योपैथी मटेरिया मेडिका में हैं जिसके द्वारा हम इससे जड़ से निजात पा सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम इससे निपट सकते हैं। दोस्तों, हालांकि भारत में अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है जिसमें कंफर्म ही डायग्नोस हो गया हो कि किसी पर्सन को कोरोना वायरस है। दोस्तों, आइए हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें। तो जो कोरोना वायरस के साइन एंड सिम्टम है दोस्तों, वो निमोनिया लाइक है। दोस्तों, जो पेशेंट होगा उसको सर्दी होगी, उसको बुखार आ जाएगा, उसको कमजोरी महसूस होगी, सर्दी खांसी के साथ साथ में दोस्तों उसको सांस लेने में परेशानी होगी, और हो सकता है दोस्तों उसको गले में इन्फेक्शन भी हो जाए और दोस्तों साइनस जैसी प्रॉब्लम भी इसमें क्रिएट हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये कोरोना वायरस जो है स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। दोस्तों इसके बाद में यदि हम इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं तो दोस्तों प्रिवेंशन में जो है, यदि किसी पर्सन को सर्दी खांसी हो गई है तो आप जब भी खांसे या छींके तो आप एक रुमाल से या टिश्यू पेपर से अपना मुंह ढक लें, या फिर दोस्तों आप मास्क का सेवन कम कर दें, और इसके साथ साथ में जो पैकेज चीजें आ रही हैं जैसे पैकेज फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको खाना बंद कर दें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये फूड के माध्यम से भी चाइना से या अदर कंट्री जो लगभग पूरे विश्व में 12 देशों में फैला हुआ है उसके माध्यम से किसी भी प्रकार से इंडिया में फैल सकता है। दोस्तों यदि हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत अच्छी, यदि आप चाहते हैं कि आपको कोरोना वायरस ना हो तो इन मेडिसिन का आप उपयोग कुछ दिनों तक कर लें, आपको निश्चित रूप से ये प्रिवेंटिव का काम करेगी। सबसे पहली जो मेडिसिन प्रिवेंशन के लिए आती है दोस्तों, वो है इन्फ्लुएंजिनम। दोस्तों, इन्फ्लुएंजिनम को आपको 200 पोटेंसी में यूज करना है। 200 पोटेंसी में इन्फ्लुएंजिनम को लगभग 5 दिन आपको खाली पेट सुबह सुबह आप ले लेंगे तो आपको कोरोना वायरस से प्रिवेंशन हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ में एकोनाइट भी आप ले सकते हैं, एकोनाइट को भी आप 200 पोटेंसी में यूज करें। 200 पोटेंसी में खाली पेट यदि आप इसको भी सुबह सुबह लेते हैं, आपका ये प्रिवेंशन बहुत अच्छी तरीके से कोरोना वायरस से कर सकता है। दोस्तों यदि किसी पर्सन को कोरोना वायरस के सिम्टम नजर आ रहे हैं तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को बताएं, वहां पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, डायग्नोस करें, उसके बाद में आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करें। दोस्तों, कुछ होम्योपैथिक दवाइयां मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको सिम्टम के अकॉर्डिंग लेना है, आपके जो सिम्टम मैच करें उस सिम्टम के अकॉर्डिंग यदि आप लेंगे तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली जो आयुष डिपार्टमेंट ने दवाई बताई है वह है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही अच्छी दवाई साबित हो सकती है जब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो और आपको कमजोरी महसूस होती हो, और दोस्तों आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो गई हो, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। आर्सेनिक एल्बम को आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। दोस्तों इसके साथ में हमें कुछ दवाई बताने जा रहा हूं जो बहुत ही शानदार आप पे काम कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में दोस्तों
कई सारी दवाई है जो ये जो कोरोना वायरस के सिम्टम है उसको कवर करती है। तो उनमें से कुछ गिनी चुनी बहुत जो गोल्डन मेडिसिन हम बोल सकते हैं उस टाइप की मेडिसिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। एक तो आर्सेनिक एल्बम हो गई है दोस्तों, जो आयुष डिपार्टमेंट ने बताई है। सेकेंड दोस्तों एकोनाइट है, एकोनाइट 30 आपको यूज करना है। यदि आपको इनिशियल ऐसा लग रहा है कि सर्दी खांसी हो रही है, सर्दी खांसी जैसे सिम्टम आ रहे हैं, आपको साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार छींके आ रही है, आपको थोड़ा हेडेक भी बना रहता है और थोड़ी एंजाइटी भी हो रही है, तो यदि आपको इनिशियल एक्यूट तरीके से ये सारी चीजें हो रही है तो आपको एकोनाइट 30 लेना है। एकोनाइट 30 को भी आपको दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके लेना रहेगी दोस्तों। अगली जो दवाई दोस्तों आती है वह है जेलसीमियम 30। दोस्तों जेलसीमियम 30 और बेलाडोना 30 ये दोनों ही दवाई जो है बुखार में बहुत अच्छी काम करती है। यदि आपको बहुत सीवियर बुखार आ रहा है, आपका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आपका फेस जो है वो रेड होता चला जा रहा है और आपको बुखार के साथ साथ में वीकनेस भी लग रही है, तो इस कंडीशन में आपको जेलसीमियम 30 और बेलाडोना 30 लेना है दोस्तों। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके लेना है। बच्चों में यदि आपको सिम्टम दिखते हैं तो ये जो सारी दवाई मैं बता रहा हूं वो बच्चों को दिन में 3 बार 1 बूंद आप देंगे तो उनके सारे सिम्टम कवर हो जाएंगे दोस्तों, ये सारी परेशानियों से उनको निजात मिल जाएगा दोस्तों। अगली जो दवाई दोस्तों आती है वह है एंटीएम टार्ट 30। दोस्तों एंटीएम टार्ट जो है, यदि आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई है, यदि आपके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, आपको सर्दी खांसी निमोनिया जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, आपका कफ बार बार आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको एंटीएम टार्ट 30 लेना है। एंटीएम टार्ट 30 को भी दिन में 3 बार यदि आप 2-2 बूंद करके लेंगे बहुत अच्छा काम ये कोरोना वायरस पे भी करती है दोस्तों। दोस्तों इसके साथ में जैसा कि मेरे वीडियो में रहता है मैं मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन लेके आता हूं जो 100% आपको रिजल्ट देता है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन कोरोना वायरस के लिए है उसमें आपको सबसे पहले चिरायता मदर टिंचर लेना है। चिरायता मदर टिंचर के साथ में आपको ओसिमम सेन मदर टिंचर लेना है, मतलब तुलसी का मदर टिंचर लेना है दोस्तों। इसके साथ में आपको टिनेस्पोरा कार्डिफोरिया मदर टिंचर भी लेना है। इन तीनों ही मदर टिंचर को आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है और आधे कप गुनगुने पानी के साथ में 20 बूंद इसकी डालिए और दिन में 3 बार आप लें। यदि आप इस प्रकार से लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी जो ये सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कोरोना वायरस के सिम्टम है, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे दोस्तों। आपको अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग एक मेडिसिन चूज करना है, एकोनाइट 30, आर्सेनिक एल्बम 30, जेलसीमियम, बेलाडोना 30 और एंटीएम टार्ट 30। इनमें से आपको एक मेडिसिन चूज करके आपको लेना है, दिन में 3 बार इसका उपयोग करना है और यदि आपको सीवियरिटी बनी हुई है, बहुत ज्यादा आपको ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप इन दवाइयों को एक एक घंटे से भी रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ में आपको जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन मैंने बताया है इसको आपको 15 बूंद से 20 बूंद आपको आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना रहेगा दोस्तों। और यदि आप इससे बचाव करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन के रूप में इन्फ्लुएंजिनम 200 और एकोनाइट 200 को आप खाली पेट 5 दिन तक लगातार ले लीजिए, आपको इससे बचाव हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें यदि आपकी कोई परेशानी है। और दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, आप इसको सारे के सारे ग्रुप में शेयर कर दें क्योंकि दोस्तों ऑथेंटिकल नॉलेज मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें सारे दोस्तों को, सारे फैमिली मेंबर्स को, आपके व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट में डाल दें ताकि इस वायरस से भारत का कोई भी व्यक्ति इससे ग्रसित ना हो। यदि वो हो जाता है तो होम्योपैथी के द्वारा बहुत ही जल्दी वो आसानी से ठीक हो जाए दोस्तों। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।